अलग लड़ाई है जी असी फिल्म दिखाई हैगी है। जो स्टार्टिंग मिस्टर कौर सिंह जी बीमार होंगे उस टाइम के उपर शाहरुख खान उन्होंने उन्होंने फाइनैशियल एड प्रोवाइड की। जब न्यूज़ के खबर लगिया उस टाइम पर मिस्टर प्रधान कांग्रेस तो है इन्होंने मिस्टर कौर सिंह अप्रोच किया तो मिस्टर कौर सिंह के घर जाकर उन्हें राइट्स बाय किए। उस बाद इन्होंने मेरा कनैक्शन सुखबीर थ्रू होया सुखबीर ने कनैक्शन कराया सुखबीर नरेशन होया। तो उस बाद जो मैं स्टडी किया मैं देखा भी कौर सिंह की कहानी मक्खण सिंह की कहानी गोपाल भेगड़ा की कहानी सतीश मोहन की कहानी यहोजी हो इन्नी ज़्यादा किरदार कि सारे की लाइफ के नॉर्मैलिटी लग रही है कि सारे का ही आ कुछ वापर रहा है ना। सो यद मतलब मिस्टर कौर सिंह वर्ग के सौ बंदे हो रहे हुए है जिन्होंने एक कंट्री इन्ना कुछ किया तो इन रिटर्न उन्होंने की कुछ करना मिल रहा है। तो ये स्टोरी जो देखी तो बहुत ज़्यादा लग्या कि ये स्टोरी ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए। एक्चुअली रिसर्च बहुत ज़्यादा है इसमें अराउंड वन एंड हाफ ईयर्स रिसर्च पे जाते हैं। हम बॉम्बे से एज ए तीन या चार बार हम लोग खनल खुद गए तो रिसर्च बहुत लगता है उनके साथ इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं फैमिलीज के साथ इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं करते 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 स्क्रिप्ट बनती तो करीब एक डेढ़ साल तो स्क्रिप्ट लग जाता है। तो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर मूवी बेसिकली। तो बॉक्सिंग में बॉक्सिंग इज अ पार्ट ऑफ द सीन 60 सीन है उसमें रोमांस है यू नो फादर मदर के साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग है कौर सिंह का उनके फादर मदर के साथ या हीरोइन है उनके फादर मदर तो बेसिकली फैमिली एंटरटेनर मूवी ही है ये। हमने इसको स्पोर्ट्स बायोपिक करके न बनाया है न प्रमोट करना चाहते हैं। सब तो पहले मैं सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद उसमें चर्चा समा कट के आया हूँ। मैंने पता थोड़े लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आई क्योंकि एक दिन केवल चार भी होनी है पर जो सके पिछले गल करते 10 मिनट लाने कृपा करके सारी गल सुनने की कोशिश करें क्योंकि इंटरटेनमेंट फिल्म बहुत बन गई ने बहुत तरह की फिल्म बन गई थी कि मैं लगभग 125 फिल्म काम किया पंजाबी फिर रिलीज़ हो चुकी हैं हिंदी फिल्म की इंग्लिश भी की पर योजी फिल्म कभी कभी बन गई है। यह बेनती है तू क्योंकि हर समय सू सवाल हों जो अभी प्रेस क्लब आने गायक गायक इंटरव्यू करते हो तुम जी जी संजीदा किस्म की ऑडियंस सू सवाल करती है कि तुम मुद्दे की फिल्म क्यों नहीं बनाते कि साढ़े को पंजाब बहुत सारे मुद्दे रही फिल्म बननी चाहिए है। सो मैं समझना है कि कौर सिंह अपने आप एक मुद्दा है 37 साल हो गए बंदा वेट करता पंजाबी की कहावत है कहने कदर बिना कोई कद तक जीवे में बस पैगी चोर। सो कदों तक बंदा वेट करता है कि साड़ी कदर पड़े तुम सारे लोग अपनी मेहनत के पत्रकारिता करते हो तुम सवाल पूछते हो लोगों कि पंजाब के जो अथलीट क्यों खत्म हो गए पंजाब के गेम क्यों खत्म हो गई या पंजाब के सिर्फ फॉरन कंट्री जाने तो अलावा मेहनत करके पैसे कमाने तो अलावा जिन्हें नौजवान मुंडे कुड़िया ने नाम कमाना सी पंजाब का नाम बड़ा करना सी वो कितने चले गए ये सवाल का तुहाड़ा जवाब है फिल्म। इस तरह की कौर सिंह की लाइफ है बहुत इंटरटेनिंग लाइफ है कि वह बंदा जिंदगी दे विच किवें आर्मी जांदा है किहड़े पर्पस लई आर्मी ज्वाइन करता है तो उत्थे उहनूं कई घटना वापरदी जिहदे विच उहनूं लगदा कि मैं बॉक्सर बनना चाहीदा तो बॉक्सर भी इहो जिहा बनदा जिहड़ा पद्मश्री अवार्ड लैंदा उहदे नूं मार लैंदा। सो इस करके इहो जिहियां फिल्मां सच्ची मुच्ची साडे लई वड्डियां फिल्मां ने अपने मैं तो सुन नहीं सकता स्टोरी पर मैं अपने मेरे मित्र ने रविंदर उन्होंने भेजा उन्होंने स्टोरी सुनी तो मैं आती है कहते ये फिल्म जो छेगा ना तेरी बेजती हो फिल्म करनी हो पाई जैसा फिल्म की थी दूसरी गल मैं डायरेक्टर कहना कहते बॉम्बे तो नहीं मैं यार बॉम्बे वाले बंदे तो पंजाबी कि डायरेक्टर ने बट जब मैं सर मिले
ਇੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਲੂਟ ਸਰ, ਸਲੂਟ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਰਮ ਬਾਗ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਿੰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕੜਾ ਲਾਇਆ ਸਰ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਕੌਮਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਰਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ 25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਾਇਓਪਿਕ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 2-3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਣਗੌਲੇ ਗਏ ਹੀਰੋ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੜੇ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਇਓ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋਗੇ। ਅਗਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ।